गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज किरण डॉट हर व्लॉग्स। और आज मेरे इस चैनल पे कुछ मैं नया लेके आई हूँ, वो है एक हॉल वीडियो। आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने इसके बारे में बताया था कि मैं एक हॉल वीडियो बना रही हूँ मीशो का। एक्चुअली क्या हुआ कि सावन शुरू हो गया है, मुझे लेना था लहरिया बट मैं बाहर जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं लहरिया ऑर्डर करती हूँ मीशो से, क्योंकि मीशो पे सुना है मैंने कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर दिस विद यू ऑल टू। सो मैंने कुछ साड़ियाँ, लहरिए की साड़ियाँ ऑर्डर की थी मीशो से, जो कि मेरे पास सारी आ चुकी है। तो ये रहा वो पूरे पार्सल, ये चारों के चार मैंने ऑर्डर की थी साड़ियाँ, तो ये चारों पार्सल ये रहे। और इनकी अभी मैं इनको सबको मैं अभी आपके सामने ही ओपन करने वाली हूँ। मैं देखने वाली हूँ, खुद भी फर्स्ट टाइम ही देखने वाली हूँ कि इनके अंदर से क्या निकलने वाला है, कैसा फैब्रिक है, कैसा डिज़ाइन है, क्या है। मैंने ऑर्डर तो बहुत सोच समझ कर, मैंने हर एक रेंज का ऑर्डर किया था, मतलब कुछ सस्ती भी की है, कुछ थोड़ी सी, मतलब फिर भी 1000 से नीचे नीचे की ही हैं ये साड़ियाँ, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। तो लेट्स ओपन इट, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से इनको ओपन करते हैं और मैं दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये सारी साड़ियाँ ऐसे दिखाने वाली हूँ और उसके बाद बारी बारी से सारी साड़ियों को पहन के दिखाने वाली हूँ। तो ये है फर्स्ट साड़ी, जिसको मैं खोल के दिखा रही हूँ। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये जो मीशो पे जो इसकी फ़ोटो डाल रखी थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। क्या प्राइस है सब कुछ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी पूरा उसका स्क्रीनशॉट लेके। फैब्रिक है शिफॉन और देखिए इसका कलर कितना प्यारा है, आई एम श्योर ये बहुत अच्छी लगने वाली है। इस पे ये थोड़ा थोड़ा तारे का वर्क है, अगर आपको सब गिर जाओ कोई नहीं, गिरे जाओ मैं बाद में उठाऊंगी। तो ये है फर्स्ट साड़ी जो मैंने ओपन की है और इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस पे ये बिल्कुल तारे का वर्क है, कम से कम 4-5 कलर्स हैं इसमें और ये साइड में भी लेस लगी हुई है। फ्रेंकली बताऊँ तो मुझे ये वाली लेस जो साइड में इन्होंने लगा रखी है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, थोड़ा सा मतलब मुझे इस टाइप की लेस नहीं पसंद है। बाकी मुझे साड़ी बहुत पसंद आ रही है, फैब्रिक भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा है और ऐसा भी नहीं बोल सकती कि बहुत बुरा, बट स्पेशली द कलर इज़ वेरी नाइस। तो इसे मैं पहन के दिखाऊंगी, उससे पहले मैं बाकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। नाउ दिस वन, ओके तो ये है सेकेंड साड़ी और ये है कोटा डोरिया। तो ये है कोटा डोरिया और सी द कलर एंड इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट फैब्रिक है ये कॉटन में और लहरिया भी है। इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, लहरिया है, फिर ये जिगजैग टाइप का यहाँ पे डिज़ाइन है पल्लू में एंड शायद इसके साथ ब्लाउज भी है, यस ब्लाउज भी है। ऐसा कलर कितना प्यारा लग रहा है, वाओ। तो दिस इज द सेकंड साड़ी, इसको भी मैं स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस, मैंने बहुत ही अलग अलग टाइप के अच्छे कलर्स मंगवाए थे, सारे कलर्स बिल्कुल हटके हैं। तो अब इसको ओपन करते हैं हम। ये है येलो कलर, आप देख रहे होंगे मोठड़ा जिसे बोलते हैं हम, उस टाइप का ये है, इस पर डिज़ाइन है और गोटा पत्ती का भी वर्क है, गोटे का भी वर्क है ये, बहुत सुंदर लग रही है ये साड़ी, वाओ। बहुत ही लाइट वेट है और इसके अंदर भी ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ ये थोड़ा सा अलग फैब्रिक का है, ये मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, बट ये ब्लाउज़ पीस इसके साथ ये वाला आया है और बाकी ये साड़ी है और इसका भी कलर बहुत प्यारा लग रहा है। इसका ये जो गोटे वाला वर्क है बहुत सुंदर लग रहा है,
पता है ऐसी साड़ियाँ जो होती है ना, इनको दो चार बार वैसे पहन लो, उसके बाद इनके अनारकली सूट सिलवा लो, पैसा पूरा वसूल हो जाता है। चलिए अब लास्ट जो साड़ी है वो मैं ओपन करने वाली हूँ। माय फेवरेट कलर, रानी कलर। और ये सिल्क टाइप का फैब्रिक है, सॉफ्ट सिल्क है। मुझे फैब्रिक वाइज वैसे सब बहुत अच्छे लगे। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो दिस इज अ ग्रेट 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 ऑप्शन। तो ये रही हमारी फोर्थ साड़ी, और इसका भी मुझे कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है ये। और इसमें आप देख रहे होंगे बॉर्डर है पूरा, और लहरिया है, बहुत ही शानदार लग रहा है। मेरा दिल आ गया इस साड़ी पे। तो देखिए इसमें ऊपर भी बॉर्डर है, प्लस यहाँ पे नीचे भी बॉर्डर है। और बताइए कैसी लग रही है आपको साड़ी। तो ये थी चारों साड़ीज, इनका मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे साइड में भी लगा दी थी बारी बारी से, यू कैन चेक दैट टू। एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली है, प्लस बहुत ही लाइट वेट है। इसमें भी ब्लाउज है, बहुत सुंदर लग रहा है ये लहरिया मुझे। तो अब मैं इनको पहन के दिखाने वाली हूँ। उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर ये बताना कि इन चारों साड़ियों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी, और मुझे कौन सी अच्छी लग रही है वो भी आप ही बता देना। कि मेरे ऊपर कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो भी आप ही बताना मुझे। तो अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं पहनती हूँ जिस साड़ी को मैंने सबसे पहले निकाला था, उसी साड़ी को, और सबको स्टाइल करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी फर्स्ट साड़ी, मुझे सही लग रही है, लेकिन बस जो एक चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है वो है ये लेस। अगर ये लेस नहीं होती तो शायद ये मेरी फेवरेट होती, बट इस लेस की वजह से मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है ये। अदरवाइज कलर एंड पैटर्न वगैरह एवरीथिंग इज़ नाइस। आप खुद बताइए कैसा लग रहा है ये साड़ी आपको कैसी लग रही है। एंड मैंने अभी ऐसे ही पहनी है, मे बी जब आप पूरा प्रॉपर मेकअप के साथ, पूरी एसेसरीज, ज्वेलरी सबके साथ, तो ब्लाउज भी मेरा मैचिंग नहीं है, सबके साथ पहनो तो शायद और अच्छी लगेगी आपको। मतलब तो वैसे मुझे कलर वाइज बहुत अच्छी लग रही है, जो इसके कलर कॉम्बिनेशंस हैं सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। बस मुझे ये मेरी आंखों को नहीं सुहा रही है, तो मुझे तो ये ठीक ठीक लगी है साड़ी, कलर वाइज एवरीथिंग वाइज ठीक है, बट ओनली दिस लेस इज नॉट गुड। मुझे पर्सनली ऐसी नहीं पसंद। अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, फैब्रिक सॉफ्ट है, कोई इशू नहीं है, बस लेस का इशू है मुझे। तो दिस इज द फर्स्ट साड़ी। ज़रूर बताना आप कमेंट में कि आपको कैसी लगी, एंड लेंथ वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी ये वाली साड़ी। नाउ आई एम गोइंग टू वेयर द सेकेंड साड़ी। मेरी सेकेंड साड़ी ग्रीन कलर, और बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, बहुत अच्छी लग रही है। इसमें मैं टॉल भी नज़र आ रही हूँ, आई होप, मुझे मिरर में तो लग रही थी मैं। और हाँ, इसका कलर बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही अच्छा है। बस ये है कि अब ये जो ऐसी साड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी से खड़ी खड़ी रहती हैं, तो अभी घर पे कोई है नहीं, मतलब यू भी नहीं है, स्कूल गई हुई है, यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए क्या है कि कोई नीचे से प्लीट्स बनाने वाला नहीं है। अदरवाइज प्लीट्स और अच्छे से बनी होती तो और अच्छी लगती, बाकी ओवरऑल लुक मुझे अच्छा लग रहा है ये। और जैसा होता है ना ऐसी साड़ी में आप मोटे लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हूँ मैं। और इसको आप ऐसे करके भी ले सकते हैं, सी, और बहुत ही एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड लुक आता है ऐसी साड़ियों में, जो कि बहुत प्रोफेशनली भी अच्छा लगता है। आप अगर ऑफिस गोइंग हैं तो ऐसी साड़ियाँ आप खरीद सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसे जनरल मीटिंग में, मीटअप में जा रहे हैं, कहीं पे भी किसी से मिलने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही एलिगेंट और डिफाइंड लुक देता है आपको। तो मुझे ये साड़ी पसंद आई। प्लस इसका मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे इसका पल्ला बहुत ही अच्छा लगा, इसके पल्ले पे जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, सी, ज़िगज़ैग वाला जो ये डिज़ाइन है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। पूरी साड़ी में लहरिया है, और ये बॉर्डर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर जो है ये छोटा बॉर्डर है, और नीचे की साइड बड़ा बॉर्डर है।
तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। बाकी आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मैंने अभी नॉर्मली ऐसे ही इसको पहना है। आप पहनेंगे तो इसको प्रॉपरली स्टाइल भी करेंगे, अच्छे से भी कैरी करेंगे। मैंने तो सिर्फ रैप करके एक लुक देने के लिए कि ओवरऑल कैसा लुक आता है, इसलिए मैंने पहन के दिखाया है। तो आप बताइए कैसा लग रहा है। आई नो नीचे से पेटीकोट दिख रहा है दूसरा, बट दैट्स ओके क्योंकि मैं अभी हर बार चेंज नहीं कर सकती ना, तो इसलिए मैं उसी के ऊपर ही पहन रही हूँ। तो ये रहा सेकेंड साड़ी। नाउ इट्स टाइम टू स्विच टू द थर्ड साड़ी, येलो लहरिया। ये कलर कोई भी ऑस्पेशियस ओकेजन हो, कुछ भी अच्छा फंक्शन हो आपके घर पे, उसमें आप पहन सकते हो। और ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही बॉडी हगिंग है, देख रहे होंगे आप, बिल्कुल स्लिम ट्रिम लग रही हूँ मैं तो सी। और बहुत ही अच्छा इसका ड्रेप आ रहा है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, हल्का फैब्रिक है, जिसको कि आप लाइट वेट फैब्रिक है तो आप ईजीली कैरी कर सकते हो। और ये देखिए कितना एलिगेंट सा लुक आ रहा है इस साड़ी का, बहुत ही प्यारा, मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है ये। और इसका ये जो गोटा पत्ती वाला वर्क है, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क नहीं है ये, तो इसलिए बहुत प्यारी लग रही है ये साड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेन चीज़ ये है कि इनमें सब में इनके साथ में ब्लाउज पीस है, तो अगर आप चाहें तो इनका डिज़ाइनर सा कुछ ब्लाउज पीस बना के और इसको सुंदर बना सकते हैं। और सी खुल्ला पल्ला भी अगर आप लेते हैं, और यहाँ पे भी इसके बॉर्डर है, ऊपर भी बॉर्डर है, खुल्ला पल्ला अगर आप लेते हैं तो कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं इन साड़ियों में रील भी डालूंगी अपने प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम में, तो जब डालूंगी तो मैं ज़रूर लिंक शेयर करूंगी। अभी तो मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए ही बना रही हूँ, तो सी कितना प्यारा लग रहा है ये, अच्छी लग रही है साड़ी। कलर बहुत ही प्यारा है, कलर बहुत ही सुंदर है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट साड़ी पे, जो कि है साड़ी नंबर 4। ये है साड़ी नंबर 4 जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी कलर वाइज। आई एम श्योर आपको भी कलर इसका बहुत पसंद आ रहा होगा। और मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ बिकॉज 1:20 हो गए हैं और मेरा जो राजा बेटा है छुटकू, उसके स्कूल से आने का टाइम होने ही वाला है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ड्रेप कर रही हूँ। सो दिस इज़ द लास्ट साड़ी और बहुत ही लाइट वेट है, लग ही नहीं रहा है कि कुछ पहना है। पल्ला भी बहुत हल्का है क्योंकि इसमें क्या कुछ वर्क वगैरह वैसा नहीं है कि आपको हैवी फील हो, संभालने में प्रॉब्लम हो। और बहुत ही अच्छा इसका ड्रेप आ रहा है, मतलब बिल्कुल बॉडी हगिंग फैब्रिक है, तो ईजी टू कैरी है और ऐसे भी आप ले सकते हैं। स्वीट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सी आई लाइक दिस कलर सो मच। और ये कलर ऐसा है जो सदाबहार है, आप कभी भी पहन सकते हो, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा ये कलर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई भी अच्छा ऑस्पिशियस ओकेजन हो तो ये कलर भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सिट, नाउ आई एम गोइंग टू सिट एंड टॉक। तो मुझे तो ये चारों साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट वाली जो साड़ी थी उसका मुझे वो बस इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें जो लेस लगी हुई है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं, मुझे थोड़ी सी वो मतलब अच्छी नहीं लगती मुझे, अच्छी मतलब अच्छा हैवी लुक नहीं आता है, रॉयल लुक नहीं आता है। तो इससे अच्छा अगर वहाँ पे लेस नहीं होती तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता हो। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी साड़ियाँ हैं बिल्कुल सिंपल साड़ियाँ हैं, है ना, डेली वेयर में भी आप पहन सकते हो। और इवन अगर आप इसको अच्छे से कैरी करो, लाइक मैंने तो अभी जल्दी से आपको एक आइडिया देने के लिए फटाफट ड्रेप करके और फिर वैसे करके दिखाई है आपको, तो इतना अच्छा फिर भी नहीं लग रहा होगा जब आप इसको प्रॉपरली अच्छे से मेकअप, हेयर स्टाइल, देन एसेसरीज, ज्वेलरी सबके साथ इसको स्टाइल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक देने वाली है, आई एम श्योर। और मुझे ये साड़ी तो बहुत अच्छी लगी, इसको तो मैं दिन भर पहन के रह सकती हूँ बिल्कुल आराम से। तो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वाला हॉल वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि आगे भी मैं इसी टाइप के और भी अच्छे अच्छे हॉल वीडियोज़ बनाती रहूँ। जैसा मैंने बोला था कि क्लोविया हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहाँ से मैं जो भी शॉपिंग करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँ, अगर हाँ तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप चाहते हैं कि मैं और हॉल वीडियोज़ बनाऊँ क्या। प्राइस वगैरह सब कुछ मैंने आपको पूरे वीडियो में बता दिया था, अब आपकी चॉइस है कि आपको अच्छा लगता है तो आप जाके और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे पर्सनली अंडर 1000 जो जो साड़ियाँ पसंद आई मैंने वो ऑर्डर करी, जिनमें से एक मुझे नहीं पसंद आई, बाकी 3 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई बिकॉज फैब्रिक अच्छा था, बहुत ही सॉफ्ट थी, इजी टू कैरी थी
कोई तामझाम नहीं, और मुझे पर्सनली ऐसी साड़ियाँ पसंद है जिनमें ज़्यादा तामझाम नहीं हो, फिर इनको हैवी तो हम ज्वेलरी के साथ, एसेसरीज के साथ अपने आप ही बना सकते हैं। सो दैट इज़ इट। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरा, एंड आगे फ्यूचर में आप और कौन से हॉल वीडियोज देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि वीडियो कैसा लगा, एंड अपना प्यार बहुत सारा प्यार दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स टू जिनको आपको लगता है कि साड़ियों का शौक़ है, क्लोदिंग का शौक़ है, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि रिव्यू जो मैंने दिया है उनके लिए हेल्पफुल रहे, और अगर वो मीशो से कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट, बहुत मेहनत लगती है, अभी मैंने फटाफट किया है, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ, बट आई लाइक टू मेक द वीडियोज फॉर यू ऑल, सो दैट आपको भी पसंद आए और आपका प्यार यूं ही आप बरसाते रहे। सो इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, होप यू लाइक इट, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताना मुझे, ठीक है, बाय।